लीजिए दोस्तों, यात्रा शुरू कर रहे हैं हम लोग अभी। आज बारिश ने स्टार्टिंग में ही हमें वेलकम कर दिया है और बारिश में ही निकल रहे हैं हम लोग। सोच रहा हूँ कि वो भी पहने लूँ जिसको लोग बरसाती कहते हैं। कर दी तैयारी हमने बारिश से बचने की और एक काफ़ी तेज़ बारिश होती है। इस बारिश में इस तरह का डिफिकल्ट क्लाइम वो देखिए, रूट कितना स्लिपरी हो गया होगा इस वक्त। और जाना है तो जाना है, इसे डेडिकेशन कहा जाता है, डिवोशन कहा जाता है। एक बार सोच लिया तो फिर लोग रुकते नहीं है। ये चीज़ हर जगह अप्लाई हो तो कितना अच्छा है। नज़ारा देखिए, लोग सामने चाय पी रहे हैं, फिर उस ब्लॉक रूम है, लंबी लाइन लगी ये अर्ली मॉर्निंग फुटेज। करीब 4:30 का टाइम हुआ होगा अभी। पौने पाँच हो गए। सवा चार बजे हम चले। करीब आधा किलोमीटर हम लोग आए होंगे। नहीं, 1 किलो हो गया होगा ना। 1 किलो लूज हुआ होगा, 1 किलो। ये है सुबह का नज़ारा, इससे पहले तो कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। अर्ली मॉर्निंग कैप्चर। उसके साथ जो जगह हमने वहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से होते हुए ये रूट लेकर हम इस जगह पहुँचे। अब लग रहा है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हम कर चुके होंगे। सो नाइस व्यू। मैं शॉर्टकट मार के थोड़ा पहले यहाँ पहुँच गया हूँ। वेट कर रहा हूँ अपने ग्रुप मेंबर्स की यहाँ पे। तो पता नहीं कितना शॉर्टकट लगा है, पर ये सीधा क्लाइम था और अगर आप घूम के आएंगे तो मुझे लग रहा है वहाँ से एक टर्न लेके यहाँ पहुँचेंगे। उस हिसाब से टाइम मिला थोड़ा रेस्ट करने के लिए। मैं हूँ यहाँ पर, एक शॉप है जो आपको ये दिख रही है और यहाँ 2 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट होता है। अगर यहाँ ही हो तो शायद एक शॉप ऊपर है वहाँ होता होगा, पर बताया ये गया था कि हर 1 किलोमीटर के बाद एक शॉप आपको मिलेगी। और ग्लव्स गले हो गए, मैंने पाइप के ऊपर रखा। तो यहाँ से नज़ारा देखिए कुछ इस तरह। यहाँ से आप जा रहे हैं, ये आपका क्लाइम है। इस तरह से मज़ेदार जर्नी है अभी तक। यहाँ वॉशरूम्स नहीं बनाए गए हैं, टॉयलेट नहीं है, होना चाहिए था। 1 किलोमीटर के बाद एक टॉयलेट होना बनता है, मील्स फीमेल सबको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो एक सजेशन अगर मेरी तरफ से यहाँ की हेमकुंट साहब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए है, तो प्लीज़ वॉशरूम्स बनाइए, घाघरिया के पास बनाइए, यहाँ नहीं है। गिनती की शॉप्स हैं तो चीज़ें कॉस्टली होना समझ आता है। यहाँ इतनी दूर आप सामान लेकर के आएंगे तो कॉस्टली तो होना पड़ता है उनका। तो अभी यहाँ से क्लाइम करके 2-4 और जाना हम लोगों को। टाइम कितना हुआ कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ है सारे, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। इस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बारिश झमाझम हो रही है। इट्स ऑल हेवन। आप इतना पेन जो लेते हैं ना, वो इसी जगह जाने के लिए लेते हैं। खूबसूरत शानदार जगह है। बारिश कल रात से शुरू हो गई थी, रात बहुत तेज़ थी। आज सुबह 4 बजे निकलना था तो 4 बजे बारिश शुरू, पर लोग रुके नहीं। कितनी दूर जो आए हैं उनको मौसम कैसे रोक सकता है। ये जो डिवोशन है अपने अपने धर्म के लिए हम सब हिंदुस्तानी लोगों में, ये नहीं रोकती किसी भी मौसम से, किसी भी बाधा से। चाहे वो केदारनाथ की ट्रेजेडी हो, हम एक बार आएंगे, देखेंगे दोबारा फिर जाएंगे, रुकना में नहीं आता। एक खूबसूरत व्यू है, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूँगा और आपको दिखाऊँगा यहाँ के नज़ारे।
किस तरह की हैं। दूरी के बारे में बताऊं तो 2 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, 1.5 किलोमीटर हम और चलने वाले हैं और अब भूख लगने लगी है। जो भी नेक्स्ट स्टॉप आएगा कुछ खाने का प्लान है वहाँ। अब तब तक ये नज़ारे देखिए, ये ग्लेशियर लगता है कल रात फ्रेश स्नोफॉल हुआ है यहाँ। ऊपर की तरफ देखे तो ऐसे ही लगता है मुझे, शानदार है ब्रेथ टेकिंग व्यू, आई एम रियली लाइकिंग इट। और ये है हमारा आगे का रूट, ये देखिए हम इस पहाड़ के किनारे किनारे वो क्लाइंब करते हुए जहाँ वो स्नो नज़र आ रही है उस तरफ जाने वाले हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग, ये सफ़ेद रंग का रेन तो सबने पहना है और सब वाइट कलर में चलते हुए, बीच बीच में इक्का दूसरा अलग अलग नज़र आते हैं, जरवाई सब वाइट कलर में है। क्या नज़ारा इस तरह का, यहाँ से खड़े होके देखो वॉट अ व्यू, वाह। सबसे पहले का सेकंड पैकेट खा के काम चलाया जा रहा है। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कहाँ तक की जर्नी हमने कंप्लीट की है। अगर आप देख पा रहे हैं वो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ हम लोग रुके थे रात में, वो घाघरिया है और हमने क्लाइंब करना स्टार्ट किया उस तरफ से और रहते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। मोर देन 2.5 किलोमीटर से कम्प्लीट हुआ होगा और बाकी का रास्ता भी देखिए कुछ इस तरह से है। अब जा रहे हैं क्लाइंब करते हुए और वो जो स्नो दिख रही है वहाँ पर उसको भी क्रॉस करके हमें आगे इस तक जाना है। सो ऑलमोस्ट 3 and 3 more टू गो, ये है अभी तक का सिस्टम। और हम आई थिंक इट्स 7 o'clock नाउ, सो 3 घंटे हमें, हम लोग 3 किलोमीटर यही एवरेज है जो हम कल बात कर रहे थे, 6 hours 6 kilometers कुछ इस तरह से होने वाला है। स्नो के नज़ारे देखने बाकी है, उसमें पक्का मज़ा आएगा, शानदार हो रहा है। 3 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लिया है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सामने लिखी हुई नज़र आएंगी। मैं एक बार इसे शूट करके आपको दिखाता हूँ, ये ढाबा शायद दूसरी जगह जहाँ पंजाबियों का ध्यान रखें उनको पराठे खिलाए जाते हैं, अभी तक जैसा कुछ नहीं मिल रहा था। नज़ारे देखिए 3 किलोमीटर के बाद, वो जो स्नो नज़र आ रही है आपको, हम वहाँ जा रहे हैं। 3 more टू गो, 50% डन, 3 hours 3 more आई थिंक, इसका मतलब हम 10 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे या साढ़े 10। क्या हो गया बता रही है गाइस? इंस्पायर हो रही हूँ मैं आपको देख के, बस चल रही है। आप ही बात में आ गए। 7:56 कितना? नहीं बिल्कुल
ये वो जगह आ गई जहाँ ग्लेशियर शुरू होते हैं, मेटल यानी कंक्रीट वाला क्लाइंब हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। अब यहाँ से स्नो ट्रैक स्टार्ट हुआ, हमें 3-4 शॉर्टकट मारे तो जल्दी से यहाँ पहुँच गए। इस तरह से है ये लीजिए तक। जो घोड़ों वाला था ना रश आने जाने का खत्म, और फिर पैदल ले लेते। ये देखिए घोड़े वाले यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, जो घोड़े से आ रहे हैं और यहाँ से चलना शुरू करेंगे। इसके बाद चलो 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 गैप बनाएंगे आगे स्लो वाले पीछे, घोड़े वाली फैसिलिटी यहाँ तक। जैसे चलते कोई दे रहे इधर से बंटी, ये हार्ड है, यहाँ थोड़ा हार्ड है, इधर आ जा। पानी कैसे बहकर आ रहा है यहाँ, ऊपर से देखिए जाना होगा वरना शरीर में पानी भर जाएगा और आँखों की ठंड की शिकायत। नीचे से निकल रहे ठीक है, फिर से ये छोटा पैच स्नो का है। सुनिया काले